मच्छर और मच्छर, मच्छर और मच्छर। ये मच्छर जो इतनी देर से मुझे परेशान कर रहा था, और ये दुष्ट मच्छर जो मेरा खून पीने आई थी, इसको तो मैंने मार दिया। इसे बाद में देखी। एक मिनट, आप क्या सोच रहे हैं मुझे ये कैसे पता चला कि मच्छर का जेंडर क्या है? तो इसके पीछे है एक स्पेशल ट्रिक। उस ट्रिक के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो के एंड। नमस्कार, सेहत की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता शर्मा, और जैसा कि आप समझ चुके हैं, आज का पाठ है मच्छर जनित रोग। चारों तरफ बरसात हो रही है, देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। समय कठिन है, लेकिन इस कठिन समय के बाद कुछ और चुनौतियां हो सकती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है, जैसे बरसात के बाद बढ़ने वाली मच्छरों की तादाद और इससे बढ़ने वाले संक्रामक। मच्छर काटने पर सबसे पहले आने वाली प्रतिक्रिया, जैसा कि हमने आपको बताया, त्वचा पर सूजन और खुजली। क्यों? ऐसा मच्छर काटने पर इम्यून सिस्टम सक्रिय होने के कारण होता है। असल में स्किन शरीर को बाहरी खतरे जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से बचाने का रोल अदा करती है। जैसे ही मच्छर आपको काटता है, तो इम्यून सिस्टम स्किन को ब्रेक करता है। जब मच्छर की लार खून तक पहुंचती है, तो शरीर उसे बाहरी पदार्थों के तौर पर पहचानता है। ऐसे में इम्यून सिस्टम एक खास तरह का केमिकल हिस्टामाइन बना देता है। यही केमिकल मच्छर के काटने वाली जगह पर ब्लड फ्लो और व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर की मदद पैथोजेंस और माइक्रोब्स और बाहरी पदार्थों से लड़ने में करते हैं। शरीर की सूजन और खुजली इन्हीं के चलते आती है। अब ये जानना जरूरी है कि हर मच्छर काटने पर बीमारी नहीं फैलाता। कुछ मच्छर काटते तो हैं, लेकिन ये रोगाणु नहीं फैलाते, क्योंकि बरसात से हम सब पहले से ही परेशान हैं। इसके बाद पैदा होने वाले मच्छर और उनके कारण बढ़ने वाले संक्रामक रोग भी कम परेशानी का कारण नहीं बनते। हाँ, भारत में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों में सबसे ऊपर जिन रोगों के नाम है, उनमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है। तो चलिए सीधा चलते हैं एक्सपर्ट के पास और जानते हैं इनके लक्षण, कारण, इलाज और बचाव के उपाय। तीन सबसे ज्यादा ही कॉमन जो वेक्टर बॉर्न इलनेस हैं, वो हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। जबकि मलेरिया एनोफिलीज मच्छर के कारण फैलता है, वहीं डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मच्छर के कारण फैलता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ या परजीवी संक्रमित बीमारी है, वहीं डेंगू और चिकनगुनिया वायरल जनहित बीमारियां हैं, जहां तीनों में बुखार चढ़ना, ठंड लगना, उल्टी होना, डायरिया होना, पेट में दर्द होना, थकावट, पीठ में दर्द, सिर में दर्द होना कॉमन है। वहीं इन तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट लक्षण भी हैं। मलेरिया में ये बुखार सिर तक पहुंच सकता है, जिसको हम दिमागी बुखार बोलते हैं। यहाँ पे कंपन बहुत ज्यादा होती है और बुखार 105 डिग्री तक जा सकता है। डेंगू में रक्त का एक प्लेटलेट के कम होने के कारण रक्त पतला हो सकता है, जिसकी वजह से खून की उल्टी और शॉक तक हो सकता है। चिकनगुनिया में सिम्टम्स में जो डिफरेंस है, वो आता है जोड़ों में और मसल पेन में। इसी के कारण इसको जोड़ों का बुखार भी कहा जाता है, और ये 2 साल तक हो सकता है। तीनों के ही ट्रीटमेंट में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। जहां की मलेरिया की स्पेसिफिक एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट, जिसमें प्राइमाक्विन, आर्टेमिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी दवाइयां केवल मलेरिया के लिए काम करती हैं, वहीं डेंगू और चिकनगुनिया के लिए कोई स्पेसिफिक दवाइयां नहीं है। इन दोनों का ट्रीटमेंट सपोर्टिव कहा जाता है, जिसमें इंसान के बुखार को कम करने की दवा, जोड़ों के दर्द कम करने की दवा और पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कई बारी इसके लिए आईसीयू एडमिशन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोगों से बचाव में डाइट किस तरह आपकी मदद कर सकती है, इस बारे में जानते हैं हमारे अगले पार्ट डाइट। अगर डाइट के बारे में बात करें, तो आपके जो सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, बिकॉज ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं, वो एंटी ऑक्सीडेंट रिच होते हैं, जो आपको डिफरेंट इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं।
सेकेंडली आपको फ्लूइड इनटेक अपना मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि कुछ सिम्टम्स इस तरह से भी होते हैं कि आपकी वॉमिटिंग इंक्रीज हो सकती है, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, तो आप अपना फ्लूइड बैलेंस जरूर मेंटेन करें, अपनी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करें। तो आप कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, ताज़ा दही, बटर मिल्क, इनका सेवन कर सकते हैं ताकि आप इन इन्फेक्शन से अच्छे से फाइट कर सकें और आपके हॉस्पिटल के चांसेस भी मिनिमम रहें। संक्रामक रोगों से बचने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी बेहतर करनी होगी। इसमें आप मदद ले सकते हैं योग की, और योग किस तरह से आपकी मदद कर सकता है ये हम बताएंगे अपने अगले पार्ट योग से निरोग। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale। सामने आपके हाथों को स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हैं, और बिल्कुल सामने झुक के रिलैक्स करना है थोड़ी देर। कोशिश करिएगा कि आपके हिप ना उठे, ये नीचे ही रहे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ऐसे लेटे रहिए। अभी हम जा रहे हैं माउंटेन पोज में, विच इज कॉल्ड डाउन फेसिंग डॉग, जिसके लिए आपको ऐसे रहना होगा। आपके हैमस्ट्रिंग टाइट की वजह से मे बी आपका नी स्ट्रेट ना हो, कोई बात नहीं, आपको आपके गर्दन को अंदर पुश करते रहना है। बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स रखनी है, स्पाइन गर्दन बिल्कुल सीधी। इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल उसी से, एक्सहेल। अब वक्त है आज की हेल्थ टिप का, तो रुख करते हैं हमारे अगले पार्ट आज की हेल्थ टिप। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों ही रोग मच्छर जनित रोग हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? इनसे बचने का सबसे कारगर तरीका ये है कि मच्छरों को ही पनपने से रोका जाए। अब मच्छरों को पनपने से कैसे रोका जाए, इसकी सबसे कारगर टिप ये है कि आप अपने आसपास किसी भी तरह से पानी को एकत्रित ना होने दें। इसके अलावा मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव करें, पूरी बाजू के कपड़े पहने, मच्छरों के चरम मौसम के दौरान शाम से सुबह तक के घंटों में घर से बाहर निकलने से बचे। ऐसी जगह पर ना जाएं जहां मच्छर पू सकते हैं, जैसे पार्क या खुले मैदान में जहां पानी जमा हो। घर की खिड़कियां और दरवाजों को बंद रखें, हो सके तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अब वक्त है आज की हेल्थ ट्रिविया का। अब मैं आपको बताती हूं उस स्पेशल ट्रिक के बारे में जिससे मुझे ये पता चला था कि जिस मच्छर ने शुरुआत में मुझे काटा था वो एक मादा थी। तो आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि नर मच्छर शाकाहारी होते हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी मच्छर ने काटा है तो ये तय है कि वो एक मादा मच्छर है। ऐसा इसलिए कि नर मच्छर पेड़ पौधों के रस पर जिंदा रहते हैं, वही मादा मच्छरों के कंधे पर जिम्मेदारी होती है अंडे देने की, जिसके लिए उन्हें लार्वा के प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, और ये जरूरी काम बिना खून के पूरा नहीं होता है। यही वजह है कि सिर्फ मादा मच्छर ही रक्त प्राप्त करने के लिए लोगों और जानवरों को काटती है। तो ये थी आज की पाठशाला। अगले शुक्रवार हम आपसे फिर मिलेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, और तंदुरुस्त रहने के लिए हर जरूरी रास्ता इख्तियार कीजिए। हाँ, अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो हमें अपने सवाल अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। नमस्कार।